एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास की कुछ यादें ताजा करेंगे, इसमें आपको कुछ रोचक जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन्स द्वारा बनाई गई एनिग्मा मशीन के बारे में, कि ये मशीन कैसे काम करती थी, इसके कोड्स को कैसे ब्रेक किया गया। ये वीडियो क्रिप्टोग्राफी और एलन ट्यूरिंग को समर्पित है। क्रिप्टोग्राफी मतलब ऐसे मैसेजेस जिनको हर कोई देख तो सकता है पर समझ नहीं सकता जब तक कि उनके पास सही कोड ना हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। एनिग्मा जर्मन्स द्वारा बनाई गई साइफर मशीन थी जिसके जरिए गुप्त संदेश यानी इंक्रिप्ट मैसेज जनरेट किए जाते थे, जिसका यूज हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में लिया था। इसके जरिए नाजी यानी जर्मन्स अपने संदेश और निर्देश अपनी फौज अपनी पनडुब्बी को रेडियो मोर्स कोड के जरिए भेजते थे। एनिग्मा मशीन से सीक्रेट मैसेज जनरेट किए जाते थे और इसी मशीन से उन मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता था। एनिग्मा एक तरह से अनब्रेकेबल मशीन थी। जर्मन्स को इसके ऊपर पूरा भरोसा था कि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता और वो काफ़ी हद तक सही भी थे, क्योंकि इस मशीन में रोटर्स और प्लग बोर्ड्स की करीब 159 मिलियंस 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 सेटिंग्स हो सकती थी और यदि ये मशीन दुश्मन देश के हाथ लग भी जाए तो भी वो इससे कोड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि मैन्युअली एक मैसेज को तोड़ने के लिए यदि सभी कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाएँ तो एक मैसेज को ब्रेक करने में ही सालों लग जाएंगी। सालों मतलब लाखों सालों में जाकर एक मैसेज ब्रेक होगा। उस पर भी जर्मन्स इस मशीन की सेटिंग्स हर दिन चेंज करते थे, यानी हर बार एक नया कोड प्राप्त होता था। इस हिसाब से एनिग्मा एक अनब्रेकेबल मशीन थी। तो फिर इसके कोड्स को कैसे ब्रेक किया गया? ये मशीन काफी कमाल की तो थी, पर उससे भी कमाल था इसके कोड्स को ब्रेक किया जाना। तो पहले देखते हैं कि एनिग्मा मशीन कैसे काम करती थी। ये मशीन दिखने में टाइपराइटर जैसी पोर्टेबल मशीन थी, जिसमें 26 लेटर इनपुट के लिए और ऊपर 26 लेटर आउटपुट के लिए होते थे जो कि ग्लो करते थे। अब मान लीजिए इसमें टाइप किया ए, तो ऊपर ए नहीं कोई दूसरा ही रैंडम लेटर वहां पर ग्लो करेगा। ये डिपेंड करता था रोटर्स और प्लग बोर्ड्स की सेटिंग पर। जैसे मान लीजिए एनिग्मा से टाइप किया गया टेक चिप, तो उसमें आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। अब इसी कोड को वापस एनिग्मा में उसी सेटिंग पर टाइप करने पर प्लेन टेक्स्ट प्राप्त किया जा सकता था। अब इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि यदि टी बराबर डब्ल्यू है तो यदि वापस से टी टाइप करेंगे तो वहां पर डब्ल्यू नहीं कोई डिफरेंट लेटर वहां पर प्राप्त होगा, यानी सेम की टाइप करने पर वहां पर डिफरेंट लेटर प्राप्त होता था, क्योंकि हर बार की प्रेस करने पर रोटर्स की पोजीशन चेंज हो जाती थी, जिससे कि इसके कोड्स को ब्रेक करना और भी मुश्किल हो जाता था। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस डेली रेडियो पर ये क्रिप्ट मैसेज प्राप्त कर रही थी, पर वो उन मैसेज को समझ नहीं पा रहे थे। उनके पास जर्मन्स द्वारा बनाई गई एनिग्मा मशीन भी थी, पर बिना सही सेटिंग्स के वो बेकार थी, उससे मैसेज डिक्रिप्ट नहीं किए जा सकते थे। तो यदि वो इन मैसेज को समझ जाएं और पता लगा लें कि जर्मन्स अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो उनको पहले से ही रोका जा सकता था। तो इसके लिए उन्होंने एनिग्मा कोड को तोड़ने के लिए एक टीम बनाई। इसमें देश के कुछ माहिर क्रिप्टोग्राफर, कोड ब्रेकर, मैथमेटिशियन, पजल सॉल्वर, चेस गेम प्लेयर जो कि पजल सॉल्व करने में माहिर थे, उनको इकट्ठा किया गया। उनमें से एक थे एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन और क्रिप्टोग्राफर थे। उन्हीं के नेतृत्व में एनिग्मा मशीन के कोड्स को ब्रेक करने पर काम स्टार्ट किया गया। उन्होंने इसमें कुछ और लोगों को भी शामिल किया। लोगों को ढूंढने के लिए उन्होंने एक कठिन क्रॉस पजल पेपर में प्रकाशित किया और जो उसे 10 मिनट में सॉल्व कर दे उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो उन्होंने एक दो लोगों को और इस प्रोजेक्ट में शामिल किया। उनका मानना था कि एनिग्मा मशीन को मैन्युअली ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसको कोई दूसरी मशीन ही ब्रेक कर सकती है। तो उन्होंने इस पर काम स्टार्ट कर दिया और कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम ने एक मशीन तैयार कर ली, जिसका नाम दिया गया बॉम्ब मशीन। ये एनिग्मा की तरह पोर्टेबल मशीन नहीं थी, ये काफी भारी भरकम और काफी बड़ी मशीन थी। इसको बनाने में भी काफी खर्चा आया। उन्होंने इस मशीन को एनिग्मा मशीन की हर पॉसिबल सेटिंग को तेजी से ट्राई करने के लिए बनाया। उसके बावजूद भी बॉम्ब मशीन एनिग्मा सेटिंग्स का पता नहीं लगा पा रही थी, वो बस चलती ही जा रही थी। तो ये प्रोजेक्ट भी फेल नजर होता आ रहा था। लड़ाई में डेली कई लोग अपनी जानें गंवा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि सभी सेटिंग्स को ट्राई करने के बजाय केवल वही सेटिंग्स ट्राई की जाएं जो कि करंट में यूज हो रही हैं। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने जर्मन संदेश के कुछ कॉमन वर्ड पकड़े जो कि हर संदेश में होते थे, जैसे कि जर्मन हर सुबह 6 बजे वेदर रिपोर्ट भेजते थे, वो सेम फॉर्मेट में होती थी और लास्ट में लिखते थे हेल हिटलर। तो उन्होंने कुछ कॉमन वर्ड्स निकाले जैसे कि वेदर रिपोर्ट, हेल हिटलर, जो कि हर मैसेज में होते थे। तो उसी के आधार पर एनिग्मा सेटिंग्स का पता लगाने का सोचा और इस बार ये प्लान काम कर गया। इन्हीं के कोड्स के आधार पर एनिग्मा सेटिंग्स के रोटर्स और प्लग बोर्ड्स की सेटिंग निकाली गई। अब ये बॉम्ब मशीन ये काम 20 मिनट में करने लग गई। तो वो कोड्स का पता कैसे लगाते थे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए ये एनिग्मा का कोड है और इसमें जर्मन्स में लिखा हुआ है वेदर रिपोर्ट। ये जर्मन्स का वर्ड है जिसका मतलब होता है वेदर रिपोर्ट। अब एनिग्मा में कोई लेटर टाइप किया गया, जैसे कि मान लीजिए ए टाइप किया गया, तो आउटपुट में ए नहीं कोई दूसरा ही लेटर आएगा। आप कितनी भी बार ए टाइप करेंगे वहां पर ए की जगह कोई डिफरेंट लेटर ही प्राप्त होगा, ए प्राप्त नहीं होगा। तो इसी के आधार पर वो कोड को मैच करते थे।
और इस तरह से वो कोड का पता लगाते थे और इस कोड को बॉब मशीन में डालकर एनिग्मा सेटिंग्स का पता लगाया जाता था, जिससे एनिग्मा में सेटिंग करके कोड एंटर करने के बाद जर्मन मैसेज को डीकोड कर लिया जाने लगा। अब ब्रिटिश के पास जर्मन्स की हर अगली चाल की जानकारी थी, पर एलन ट्यूरिंग ने हर चाल को ना रोकने की सलाह दी, क्योंकि इससे जर्मन्स को शक हो सकता था कि उनकी एनिग्मा मशीन ब्रेक हो चुकी है, जिससे वो रेडियो पर संदेश भेजना बंद कर सकते थे या एनिग्मा का पूरा डिजाइन भी चेंज कर सकते थे, जिससे कि एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम की पूरी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। तो इसके लिए वो केवल स्टैटिक्स एनालिसिस के आधार पर जरूरी हमलों को ही रोकते थे और इसका नतीजा ये निकला, ये लड़ाई जल्दी खत्म हो गई, करीब दो साल जल्दी ये लड़ाई खत्म हो गई और इसमें करीब लाखों लोगों की जान बच गई। तो देखा आपने कि किस तरह से टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, इससे किस तरह से लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम है द इमिटेशन गेम। तो इस तरह से एलन ट्यूरिंग ने इस काम को अंजाम दिया, उन्होंने इस तरह से इस मशीन को हैक किया और लाखों लोगों की जान बचाई। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन भी बनाई। एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने मैथमेटिक्स, लॉजिक, क्रिप्टो एनालिसिस, कंप्यूटर साइंस फील्ड में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन पर समलैंगिकता के आरोप भी लगे, जिसे उन्होंने स्वीकारा भी। उस समय ब्रिटेन में होमोसेक्सुअल क्राइम था, तो उन्हें जेल या हार्मोन चेंज थेरेपी में से एक को चुनने को कहा गया, तो उन्होंने चुना हार्मोन चेंज थेरेपी को। इससे परेशान होकर उन्होंने 7 जून 1954 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने साइनाइड पॉइजन खाकर इस दुनिया से अलविदा कह दिया। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस सीरीज पर और वीडियो देखना चाहते हैं। यदि इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और अगला वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहां पर एथिकल हैकिंग के बारे में, व्हाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।